हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो विल सी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फेस नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट इज सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है अब सॉल्यूट क्या होता है जो कि लेस क्वांटिटी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा ठीक है सॉल्यूशन में एंड सॉल्वेंट क्या होता है ऑन द अदर हैंड जो कि लार्जर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ठीक है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके बनता है आपका सॉल्यूशन ना फॉर एग्जांपल शुगर वाटर सॉल्यूशन जैसे कि शुगर भी कह सकते हो आप अब इसमें क्या होगा देखो कम शुगर थोड़ी सी शुगर को हम अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं और स्टर कर रहे हैं तो शुगर वाटर सॉल्यूशन बनता है अब इनमें से जो शुगर है वो सॉल्यूट होगी क्योंकि वो कम अमाउंट में थी एंड जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था ठीक है नाउ दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन नाउ जो ये शुगर सिरप सॉल्यूशन पूरा हमारे पास बना उसका फेस क्या होगा वो कैसा दिखेगा ऑब्वियसली वो कैसे दिखेगा वो लिक्विड दिखेगा आपको और यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सॉल्वेंट का फेस होगा वही सॉल्यूशन का फेस होगा जैसे देखो जो फेस सॉल्वेंट का था वो क्या था वाटर है वाटर क्या है लिक्विड है तो पूरा जो सॉल्यूशन बना वो भी कैसा दिखा आपको वो भी लिक्विड बना क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसी वजह से सॉल्यूशन भी उसी की तरह दिखता है ठीक है ना यहां से क्या सीखा हमने फेस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन फेस ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज क्यों बिकॉज सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट नाव हम करते हैं नाइन काइंड ऑफ सॉल्यूशंस ठीक है नाइन काइंड ऑफ सॉल्यूशंस करते हैं बेस्ड ऑन द फेस फर्स्ट इज सॉलिड सॉलिड ठीक है अगर सॉल्यूट सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो देखो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा ऑब्वियसली जैसा फेस सॉल्वेंट का होगा वो भी सॉलिड ही उसका फेस होगा फॉर एग्जांपल अगर जैसे अलॉयज होते हैं एक अलॉय हम ले लेते हैं जैसे कि ब्रास उसपे क्या होता है कॉपर एंड जिंक को मिक्स करके ब्रास बनाई जाती है ठीक है और ये सॉल्यूशन क्या क्या लाता है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूट लिक्विड है आपके पास सॉल्वेंट आपका सॉलिड है ठीक है तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा कैसे दिखेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो भी आपका सॉलिड ही दिखेगा फॉर एग्जांपल एच एंड कॉपर का अमलगम एच क्या हुआ मरकरी और आपको पता है मरकरी पूरे पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है लिक्विड इन नेचर होता है अब ये क्या कहते हैं इससे ये जो अमलगम है इसे कई बार हम डेंटल अमलगम भी कहते हैं क्योंकि जो डेंटिस्ट uh, होते हैं वो क्या है कैविटी को फिल करने के लिए इस अमलगम का इस सोल्यूशन का यूज करते हैं इसमें क्या होता है जो एच है मरकरी है वो कम अमाउंट में है क्योंकि ये लिक्विड है ठीक है कम अमाउंट में यूज करते हैं एंड उसमें कॉपर या फिर अदर एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं ठीक है थीके? तो जो रिजल्टिंग आपका सॉल्यूशन है वो कैसा होता है वो भी सॉलिड होता है दिस इज द एग्जांपल और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड अब देखो गैस इन सॉलिड अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका फेस भी सॉलिड होगा एंड द एग्जाम्पल इज एड्सॉप्शन ऑफ एच टू ऑन प्लेटिनम एड्जॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस की अगर एड्जॉप्शन आएगी होगी प्लेटिनम या पैलेटियम का कोई भी सरफेस ले लो उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन या कोई अदर गैस एबजॉर्ब होगी तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा पूरा सॉल्यूशन बनेगा ये एग्जांपल है गैस सॉलिड सॉल्यूशन का ठीक है इसमें H2 आपका सॉल्यूट हो गया एंड प्लेटिनम का जो आपका बेस है वो आपका एज अ सॉल्वेंट की तरह सर्व करेगा ठीक है यहां तक ये तीन हो गए आपके जिसमें कि सॉल्यूशन आपके सॉलिड सॉल्यूशन बन रहे हैं नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड जिसमें कि आपके लिक्विड सॉल्यूशंस बनेंगे फर्स्ट उसका एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड ठीक है सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा कि जैसे कि शुगर सिरप शुगर प्लस वाटर हमने की शुगर सॉल्यूट हो गया एंड वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया एंड जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसा बनेगा वो लिक्विड बनेगा ठीक है एंड नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्योंकि अल्कोहल प्लस वॉटर आप ले लो एल्कोहल क्या है वो भी एल्कोहल क्या हो जाएगा यहाँ पे सोल्यूड एंड वॉटर इज द सोलवेंट तो लिक्विड एंड लिक्विड मिलाएंगे तो सोल्यूशन कैसा बनेगा वो लिक्विड बनेगा ठीक है नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड दिस इज वेरी कॉमन जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक आपका कोक मिरिंडा कुछ भी आप ले लो या फिर सोडा ले लो उसमें क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे प्रेशराइज करके डिजोल्व किया जाता है वॉटर में ना जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एज अ सोल्यूट हम देखेगी इसे एंड वाटर क्या हो जाएगा इसमें सोलवेंट एंड होल जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा दैट विल बी द लिक्विड ठीक है वो लिक्विड दिखेगा हमें एंड नेक्स्ट इज यहां तक खत्म हो गए हैं लिक्विड काइंड ऑफ सोल्यूशंस नेक्स्ट जो थ्री है वो कौन से है गैशियस सोल्यूशंस सो फर्स्ट है सॉलिड इन गैस सॉलिड इन गैस में क्या हो जाएगा जैसे कि आपका कैम्फर है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में वो जलता है ठीक है कैम्फर क्या हो जाएगा जैसे कपूर होता है जब नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये बर्न करेगा तो जो कैम्फर होते हैं ना उनके कैम्फर के क्या हो जाएंगे वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा न जो ये कैम्फर और नाइट्रोजन के जलने पे जो ये मिक्सचर बनेगा टोटल वो कैसा मिक्सचर होगा वो गैश मिक्सचर होगा एंड ये एग्जाम्पल याद कर लो ये कई बार आता है या फिर इसमें आयोडीन भी आ सकता है आयोडीन के जो वेपर्स बनते हैं वो भी इसी सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है जैसे कि ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर्स इन एयर अब इसमें क्या हो रहा है ह्यूमिडिटी या फिर जो वाटर वेपर्स है वो क्या एज अ सोल्यूट है कम अमाउंट में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट है एयर में प्रेजेंट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ठीक है एंड जो रिजल्टिंग जो ये सोल्यूशन है ह्यूमिडिटी इन एयर का वो कैसा दिखेगा आपके पास वो गैशेस दिखेगा बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट आपका क्या है गैश है ठीक है आपको ये सारे एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए लास्ट इज गैस इन गैस गैस एंड गैस का एग्जाम्पल क्या है एयर ठीक है जो हमारे एटमोसफेयर में क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस है गैस इन गैस एंड रिजल्टिंग जो सोल्यूशन है दैट विल बी ऑल्सो बी इन द फेस ऑफ गैशेज फेस ठीक है थैंक यू सो मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब